नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। विवाहित महिला से संबंध के कारण पति ने कराई थी दवा कारोबारी पप्पू की हत्या, हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। राजधानी पटना के पालीगंज बाजार में रामनवमी के दिन 10 अप्रैल को दवा कारोबारी पप्पू यादव की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। मामले में एक आरोपी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पप्पू की हत्या विवाहित महिला से अवैध प्रेम संबंध में किया गया था। हत्याकांड का मास्टरमाइंड महिला का पति बताया जा रहा है। हत्या के बाद से वो फरार चल रहा है। कांड संख्या 134 है, 134 22 से संबंधित है, जिसमें 10 तारीख को दीपाली के एक जो स्वर्गीय पप्पू यादव, उनकी दीपाली से सुबह निकले थे और मार्केट में चाय पी रहे थे, उसी दौरान दो अज्ञात अभियुक्तों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। उनकी हॉस्पिटल जा रहे थे उसी टाइम पे हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उसी से संबंधित है। उसके बाद में केस रजिस्टर हुआ, टीम गठित की गई, टीम गठित करने के बाद में लगातार छापेमारी की गई, लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे, वैज्ञानिक अनुसंधान के बेसिस पे इसमें आगे काम किया गया, फर्दर इंक्वायरी की गई। तो इसमें कई सारे अलग अलग शुरुआत में एंगल आ रहे थे, एक डाउट था कि शायद बालू से रिलेटेड हो सकता है या फिर पैसे का लेन देन हो सकता है। तो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन रीज़न आया सामने, वो था कि एक इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इलिसिट रिलेशन था, जो मृतक है पप्पू यादव उससे संबंधित था। अब जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था उसका, उसकी फैमिली अरवल में है, किंजर में रहती है, और उसका हस्बैंड है, उसका नाम है कुन्नू और फनेल यादव, सलेमपुर से रहने वाला है। तो काफ़ी टाइम से दोनों में था, दोनों में इसी बात को लेकर के लड़ाई थी, क्योंकि उसकी कुन्नू की वाइफ थी जिसको ये गलत तरीके से अपने साथ रखा हुआ था पप्पू, इसकी ऑलरेडी दो शादियां हो चुकी हैं, उसके बाद में तीसरी वाइफ को रखा हुआ था अपने साथ में। तो इसी बात को लेकर के दोनों में 2-3 साल से लगातार तनाव था। कुन्नू की जो वाइफ है इसको 3 साल से आदमी रखा हुआ था, तो बार बार में कुन्नू और इसमें लड़ाई था कि तुम्हें मार देंगे, धमकी दी जा रही थी बार बार। उससे रिलेटेड 1-1.5 महीने पहले ये लोग किंजर में उसको घेरा भी था 5 लोगों ने, कुन्नू और उसके 4 साथी और थे, उनमें कुन्नू था, एक विकास था, ये सब सलेमपुर टिकारी और उसके आसपास के गांव के ही हैं। कुन्नू था, विकास था, एक बाबा और अमरेश था, एक रवि था और एक और लड़का था कमलेश, ये 5 लोग थे। इन्होंने घेरा भी था उस टाइम पे, भी धमकी दिया था और ये शॉर्ट था दोनों का कि दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार देगा। पप्पू कुन्नू को धमकी दे रहा था और कुन्नू पप्पू को धमकी दे रहा था कि जैसे चांस मिलेगा तो मैं मार देंगे। 9 तारीख को रात में कुन्नू ने इन चारों दोस्तों के साथ में मिलकर के बाबा, कमलेश, रवि और विकास के साथ मिलकर के प्लान किया कि 10 तारीख को सुबह जैसे वो चाय पीने आएगा, क्योंकि रूट देखा हुआ था इन लोगों ने कि कैसे वो सुबह सुबह उसकी एक्टिविटी क्या रहती है। प्लान किया कि सुबह 10 बजे जैसे वो चाय पीने के लिए बाहर निकलेगा तो उसको पालीगंज मार्केट में मार देंगे। अब इसके लिए शूटर कौन होगा, तो शूटर ही उनमें से एक गंगा चाय वाले के यहाँ पे खड़ा होता है। बाबा गाड़ी चला रहा है, पीछे कमलेश बैठा हुआ है, लाल रंग की पैशन प्रो है, ये निकल करके आते हैं और उसको शूट कर देते हैं। इन लोगों का प्लान था कि हम लोग के पास में बैकअप के लिए कि बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसको विकास को तैयार रहना, इसलिए विकास भी अपने साथ में हथियार रखे हुए था। इसने कमलेश ने शूट करके वो अपना हथियार लहराते हुए अरवल मोड़ से मावलीपुर की तरफ निकल गया। और ये जो लड़का है विकास, ये जिसके पास भी हथियार था, ये ऑटो लेकर के वापस अपना इमामगंज चला गया है। थोड़ा सा और काम किया जा रहा है कि हो सकता है शायद बालू का भी एंगल हो, क्योंकि इसका एक बहुत क्लोज पार्टनर है पप्पू का, तो उस पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में बालू के पैसे को लेकर के भी विवाद था।